हाँ और ना बोलिए ना आप शंकराचार्य को क्या आ, आप मानते नहीं क्या, इस देश का सबसे बड़ा शंकराचार्य क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए क्या आ, मंत्री जी बोलने आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अगले दिन आइए क्यों क्या राम उनके नहीं है आप चंदा लेने के लिए चंदाखोरी करने के लिए आप उनके बीच में जा सकते हो आप उनके बीच में जाके चंदाखोरी कर सकते हो पर हां आम जनता पहले दर्शन करने नहीं जा सकती है ना प्रधानमंत्री इतने बड़े और राम जी इतने छोटे और उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं तो आप बताइए ना कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा शंकराचार्य जो है वो वह मोदीचार्य है, है ना? ना? मैं सरकारी हिंदू होता तो मैं भी अपने घर पे एक झंडा लगा था दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहा हूं मैं उस दिन दिवाली मनाऊंगा जिस दिन मंदिर मंदिर संपूर्ण बन जाएगा और मैं स्वयं दर्शन करने के लिए जाऊंगा आपकी जेब में आप में रुपए होंगे आप जा पाओगे है ना आपकी जेब में अगर रुपए हैं तो जब आप भगवान के लिए माला खरीद सकते हो आपके पास रोजगार है नहीं है ना नमस्कार एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डी न्यूज में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लगातार खबरें चल रही है कुछ लोग जो है खुशियां मना रहे हैं वही कुछ तबका ऐसा है जो विरोध कर रहे हैं नाराज हैं नाराज जो है सिर्फ इस बात को लेकर के है कि सिर्फ आ, मंदिर जो है जब पूरा हो जाता तब प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी लेकिन जब मंदिर अधूरा है तो फिर क्यों किया जा रहा है इतनी जल्दबाजी किस कारण से की जा रही है ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित मोहित गौड़ जी मौजूद हैं आप तो ब्राह्मण हैं आप कैसा जाएंगे नहीं जाएंगे क्या समर्थन जा देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम मैं शुरुआत से है ना जय श्री राम ही इसलिए बोलता हूं क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम बिना सीता के हुँ. उनको महसूस भी नहीं किया जा सकता है ना हुँ. तो उसी प्रकार आपने बोला कि मैं मंदिर जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं मंदिर जरूर जाऊंगा अवश्य जाऊंगा मुझ पे कोई रोक थोड़ी है मंदिर न जाने पे पर मंदिर में उस दिन जाऊंगा जिस दिन मंदिर संपूर्ण बन जाएगा है ना देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि प्रधानमंत्री इस चीज को चुनावी एजेंडा बना के 24 का चुनावी एजेंडा बना के इसका उद्घाटन कर रहे हैं पर किंतु वहीं पे धर्म आ, जो धर्म धर्म जो जो को को जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है है ना शंकराचार्य जी वो खुद यह बात बोल रहे हैं कि भैया जब तक प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो सकती मंदिर कंप्लीट नहीं हो सकता पर क्या करें 24 नजदीक है 24 में मोदी जी को आ, वोट नहीं मिल रही पर चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको चुनावी मुद्दा बना जाए पर वो ये बात भूल रहे हैं कि यह सरकार नहीं बनवा रही ये राम जी के भक्त लोग बनवा रहे हैं मंदिर को ये सरकार सरकार का आदेश नहीं था ये आदेश जो था वो कोर्ट का आदेश था जिसके तहत ये मंदिर बनाया जा रहा है पर हां प्रधानमंत्री जी और योगी जी चाहते हैं कि जनता की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाए वो अच्छे से जानते हैं जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि जो है और लोग विरोध करते हैं और लोग जो उनके मन में कुछ न कुछ भावनाएं आ रही है बोल रहे हैं तो नी, समझ में आता आप आप बात बताइए आप एक बात बोलिए कि शंकराचार्य नहीं आप शंकराचार्य नहीं शंकराचार्य जी सनातन विरोधी है क्या शंकराचार्य जी क्या हिंदू विरोधियां आप बताने की कोशिश करिए नहीं अकल पे आप लोगों के पत्थर पड़ चुके हैं कि आप लोगों ने जो ये राम मंदिर की जो आपकी प्राण प्रतिष्ठा है उसको एक इवेंट बना दिया बीजेपी और आर का आप लोग सिर्फ और सिर्फ खाली जितनी भी मीडिया में देख रहा हूं कि देश के अंदर और कोई मुद्दे नहीं बचे आप बताइए क्या देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बचा आपने युवाओं को पहले कोरोना टाइम में टोर्च जलवाने के लिए लगाया और आज युवाओं को झंडा लगाने में और दिया जलाने में लगा दिया आप जवाब देने की कोशिश करेंगे दिवाली करें अरे भैया दिवाली तो हम मनाएंगे मेरी बात सुनिएगा सुना पर... है ब्राह्मण सिर्फ जो है अपने कर्मो से ब्राह्मण बनता है आदमी प्रधानमंत्री जी जो सुनिए प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन कर रहे हैं क्या वो शंकराचार्य से बने हैं बताइए आप बता आप बताइए बताइए ना बता ना, बता बता ना। शंकराचार्य जी बड़े हैं शंकराचार्य जी बड़े हैं नहीं है आप बताने की कोशिश करिए ना लो आप लोग तो बुद्धिजीवी है। हैं उसके बाद भी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे आ, नहीं शक नहीं। होता है कि आप लोग सरकारी पत्रकार हैं और आप सरकार की चापलूसी करने का काम करते हैं आप शांत रहिए जरा पंडित जी मेरी बात सुनिए सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि वहां पे भी ब्राह्मण समाज के लोग नहीं आ रहे हैं पंडा पुजारी वहां नहीं आ रहे हैं कई हजारों में लोग आ रहे हैं वहां पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं वहां भी मंत्रों का उच्चारण होगा क्या, हो क्या, क्या क्या, राम गरीब तबके का नहीं है क्या राम जो है भगवान श्री राम जो है क्या वो आमजन मानुष के लोग नहीं है वहां पे एक इवेंट चल रहा है जहां पे सिर्फ एक तरफ तो आप वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हो दूसरी तरफ आपने वी कल्चर को बढ़ावा दिया जहां पे सिर्फ बड़े बड़े सुपर आपके बड़े बड़े मंत्री आपके बड़े बड़े क्रिकेटर आपके मतलब जो फेमस लोग हैं उससे वो ही वहां पे जा सकते हैं पर आप मुझे बताने की कोशिश क्या वहां पे एक, आम जनता का व्यक्ति जा सकता है उसको प्रधानमंत्री जी बोलने में आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अगले दिन आइए क्यों क्या राम उनके नहीं है आप चंदा लेने के लिए चंदा खोरी करने के लिए आप उनके बीच में जा सकते हो आप उनके बीच में जाके चंदा कर सकते हो पर हां आम जनता पहले दर्शन करने नहीं जा सकती पर आ, आम जनता पहले दर्शन करने नहीं जा सकती वहां पे अरे आपको देश के पर सुनिए सुनिए आप बहुत भी ऐसे बहुत नहीं बहुत बहुत बधाई हो देश के बड़े बड़े आ, लोग जा रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो पर मेरा एक सवाल है कि आम जनता उनके साथ दर्शन क्यों नहीं कर सकती थी बताइए आप क्या वीआईपी वीआईपी कल्चर चल रहा है क्या वीआईपी कल्चर के अंदर ही तहत ये सारे काम हो रहे हैं अगर आपको सिक्योरिटी की और सुरक्षा की इतनी परवाह थी तो आप बेहतरीन और इससे बढ़िया इंतजाम कर सकते थे पर आप नहीं चाहते कि जो जनता है जिस जनता ने राम को लाया है मोदी जी ने नहीं लाए

भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा पोस्टर बनाया था, है ना प्रधानमंत्री इतने बड़े और राम जी इतने छोटे और उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं तो आप बताइए ना कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा शंकराचार्य जो है वह हैं, है ना और इस देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा आ, अगर आप राम को मानते हैं तो प्रधानमंत्री को भूलिए ना प्रधानमंत्री इस देश के अंदर सबसे बड़े हो चुके हैं आपको क्या ये सब बोलते हुए थोड़ी सी भी भावना आहत नहीं होती अंदर से कि आप हिंदू हैं ब्राह्मण भी हैं और फिर भी उसके बाद भी इतनी खुशी का माहौल है आप ऐसे बोल रहे हैं सोचिए आपके समाज के लोग ही क्या सोचेंगे आप देखिए मेरा दिल दुखता है कि देश की जनता को जो गुमराह किया जाए देश को जो आ, आपका जो गुमराह किया जाए जहां पे एक एक धर्म था एक सनातन धर्म था जिसके अंदर शंकराचार्यों का बहुत बड़ा रोल होता था है ना पर आज उनको उनको हिंदू विरोधी बना दिया गया है सनातन विरोधी बना दिया गया है, है ना कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पे चलने को तैयार नहीं है पर हाँ कहता है मैं धर्मवादी हूं क्या आप बताइए ना शंकराचार्य जो है वो किस लिए है फिर वो पीठ किस लिए है अगर आप सनातन को अगर आपने पढ़ा होगा सनातन के अंदर साफ साफ शंकराचार्यों के बाद ही अन्य पीठे होती हैं है ना उसके बाद ही सारी चीजें होती हैं पर जब सनातन का मुखिया यह बात कह रहा है कि अभी आप इसका उद्घाटन ना करिए पर क्या मजबूरी आ पड़ी कि अब राम इनको याद आने लगे क्या मजबूरी आने पड़ी राम तो बहुत पहले से याद आ सत्ता सत्ता राम जी तो पहले से बानवे में आए थे साहब बानवे से पहले केस चल रहे थे इसके है ना पांच साल का एक संघर्ष है जिसको इस देश की न्यायपालिका ने इस देश की न्यायपालिका ने विजय दिलवाई है ना और हम पढ़ा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है वो देश के जो युवा हैं है ना उनको उनको ब, आ, उनको भड़काने का काम कर रही है उनको भटकाने का भी कर सुनिए राम को कौन अरे राम को तो आजकल चल तो रहा है मोदी जी लाए हैं है ना मोदी जी लाए हैं चल रहा है जबकि राम पहले से ही इस देश में मतलब इस देश का हर किसी का राम है मेरा राम है तुम्हारा राम है, है ना हर, हर किसी व्यक्ति का हर किसी धर्म का राम है पर आज तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए दिल आ, दर्द होता है कि राम को लाने वाले व्यक्ति बन रहे हैं ये लोग आप ठीक है अगर आपको सत्ता की कुर्सी चाहिए सुनिए मेरी बात तो आप लोगों का विकास करिए ऐसे लोगों को धर्म के नाम पे तोड़ के उनकी भावनाओं के साथ खेल के इस देश को पागल बनाने की बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कीजिए जी मेरा एक सवाल है मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं कुछ लोगों का ये मानना है कि जो है हॉस्पिटल बना देने चाहिए स्कूल बना देने चाहिए कॉलेजेस बना देने चाहिए लेकिन सवाल ये है कि जो है बहुत सारी सरकारें आई गई सब ने सब कुछ बनाया लेकिन ऐसा भव्य राम मंदिर तो सौभाग्य ही मिला ऐसी सरकार को जो ये इतना बड़ा कदम उठा रही है अस्पताल कॉलेजेस तो लगातार बनते रहे क्या ऐसा भव्य मंदिर दोबारा बनने का मौका मिलेगा देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो है ना और किसी भी देश को चलाने के लिए आपने बोला कि आ, मंदिर मंदिर के अंदर अगर आप बच्चों को भेज के है ना एक अच्छा टाइकॉन बिजनेसमैन बना सकते हैं या आप बच्चे को एक अच्छा सैनिक साइंटिस्ट आस्था का देखिए मैं वो देखिए देश का देख देखिए देश आस्था से नहीं चलता है ना आपकी जेब में रुपए होंगे जब आप मंदिर में जा पाओगे है ना आपकी जेब में अगर रुपए हैं तो जब आप भगवान के लिए माला खरीद सकते हो आपके पास रोजगार है नहीं है ना आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपके पास कोई विजन नहीं है आपके पास आ, देश की आप खुद सोचिए कि एक ऐसा देश 140 करोड़ की जनता वाला देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांटा जा रहा है तो आप सोचिए कि देश किस राह में जा रहा है आप, कितना डाउन जा रहा है विकास विरोधी देखिए अरे ऐसा विकास अस्सी करोड़ लोगों का विकास हो रहा है क्या ये ये विकास है आपकी नजरों में तो आप एक काम करिए हरे राम की जगह हर हर मोदी करने लग जाइए आप फिर अगर आपको ये विकास लग रहा है अस्सी करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिलता तो आज वो मुफ्त के राशन पर डिपेंड नहीं हुए होते है ना अगर आप युवाओं की बात कर रहे थे आपके आंकड़े कहते हैं कि आपने सिर्फ सिर्फ और खाली पिछले 10 साल के अंदर सत्रह लाख लोगों को रोजगार दिया है आप कहते थे कि हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे आप हर चीज में विफल हैं तो जब आपको जनता जान चुकी थी जब जनता आपकी हर चीज जान चुकी थी तो आप चौबीस के अंदर आप एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे तो है तो क्या है जिस आ, जिस बात को लेकर शंकराचार्य अब बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मत करो मत करो आपको पता है ना कि शुभ मुहूर्त भी होते हैं और अशुभ मुहूर्त भी होते हैं ना मुहूर्त के हिसाब से नहीं है साहब नहीं नहीं एक अगर सरकारी ब्राह्मण होता तो मैं सरकार का पिट्ठू बन के लबल लबल आ, सरकार की बातें कर रहा होता पर मैं आज है ना मैं एक सनातनी हूं मैं शंकराचार्य को मानता हूं और हाँ मैं इस धर्म को मानता हूं तो मैं धर्म के आधार पर बात करूंगा है ना अगर आप बात कर रहे हैं मुझसे पर हाँ अगर मैं सरकारी हिंदू होता

देखिए देखिए देखिए, मैंने 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 बोला। है आप मैंने मैंने मैंने, अरे तो भैया क्या शंकराचार्य शंकराचार्य सनातन विरोधी ना आपको अरे हाँ और ना बोलिए ना आप शंकराचार्य को क्या आप मानते नहीं क्या इस देश का सबसे बड़ा शंकराचार्य क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए क्या बताइए अरे भैया शंकराचार्य स्पीड मतलब क्या है अरे तकलीफ यही तो है अधूरा मंदिर है मंदिर अधूरा है सब बना नहीं है जब तक वो बना नहीं है उसके अंदर पूजा कैसे हो जाएगी कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी बताइए आप चलिए कैसे आप, हो जाएगी आप, आप तो युवा साथी हैं आपके समाज के लोग क्योंकि आप तो ब्राह्मण समाज से आते हैं आपके समाज के लोगों में क्या चर्चाएं चल रही है कुछ इस पे चर्चा करते हैं देखिए जनता को गुमराह किया जा रहा है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है है ना जिस कदर जनता के अंदर प्रधान मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना जिस कदर मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं है ना वो गलत है वो गलत है हम ऐसा उत्सव इससे डबल बढ़िया उत्सव होता सोचिए इससे डबल उत्सव होता कि मंदिर बना होता है ना वहां पे सारी राजनीतिक पार्टी के लोग खड़े होते वहां पे आम गरीब तबके का व्यक्ति मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहां पे अपने प्रभु श्री राम के लिए हाथ जोड़ के खड़ा होता जब जब मजा आता पर आज ये जो इवेंट हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट हो रहा है आरएसएस का इवेंट हो रहा है विश्व हिंदू परिषद का इवेंट हो रहा है जो कि सरासर गलत है इस मंदिर के लिए आहुति सबने दी है बीजेपी ने नहीं, नहीं दी है ना और मैं स्वयं है ना तो देखिए 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 नहीं देखिए मैं मैं विरोध भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री की और माननीय मुख्यमंत्री की गलत नीतियों का कर रहा हूं मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रहा चलिए है ना, ना और दूसरी बात धर्म को है ना धर्म को दो हिस्सों में ना बांटा जाए एक सरकारी हिंदू है ना और एक सनातनी में मैं तो आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ सरकारी और सनातनी हिंदू मैं एक मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से गाना चल रहा है तमाम मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि राम आएंगे सवाल ये है कि अगर राम आते हैं तो क्या बीजेपी भी आएगी साथ देखिए जनता सब जानती है है ना जनता सब जानती है देखिए ये जो देश है ना हमारा हिंदुस्तान ये ये बहुत ज़्यादा Uh, मतलब कि धर्म को मानने वाला देश है है ना यहाँ पे हर व्यक्ति अपने धर्म को मानता है है ना तो आप ये ना सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में आके जनता मोदी को लेके आएगी है ना? जनता सब जानती है कि मोदी ने मोदी जी ने कितना काम किया जनता के लिए है ना क्या किया है जनता के लिए युवा जो हमारे युवा भाई लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने रोजगार मांगा तो उनके हाथ में टॉर्च पकड़ाई गई उन्होंने रोजगार मांगा तो उनके हाथ में थालियां थाली और ताली पिटवाई गई और युवा जानता है जब आज फिर युवा रोजगार मांग रहा है तो उनके हाथ में दिया थमा दिया गया है, है ना वहीं पर महिलाएं जानती हैं महिलाएं जानती हैं राज में महिला सम्मान था सुरक्षा थी पर मोदी राज के अंदर मोदी राज के अंदर महिलाएं कहां से सुरक्षित है आप चाहे मणिपुर देख लीजिए है ना आपका हर व्यक्ति गरीब तबके का व्यक्ति जानता है कि बहुत ही महंगाई की मार आ, की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज महंगाई की मार से गरीब वंचित कुछ जो लोग हैं उनकी कमर टूटी गई है तो चलिए ये हमारे साथ मौजूद रहे हमारे साथ खासा बातचीत कर रहे थे चर्चा कर रहे थे पंडित मोहित गौड़ जी जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हालांकि साफ तौर पर इनका कहना है कि राम मंदिर से और राम लला से ये जो है गुस्से में नहीं है गुस्से में तो जो ये इवेंट चल रहा है उससे गुस्से में है जिसको इतना बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है दरअसल आने वाले चुनाव में क्या कुछ इसका फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन चुनाव के साथ साथ जो है राम मंदिर की तैयारी अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत देखते न्यूज धन्यवाद